हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बिलासपुर के साइंस कॉलेज के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बिलासपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपने आप में अलग पहचान बनाए हुए हैं, और कौन नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक पढ़े लिखे जिलों में अद्वितीय योगदान निभा रहा है, जिसमें साइंस कॉलेज भी अपना एक छोटा सा योगदान निभा रहा है। वैसे तो इस कॉलेज की स्थापना 1944 में हुआ, जो कि बहुत ही पुराना कॉलेज है। अभी वर्तमान में इस कॉलेज का नाम गवर्नमेंट ई राघवेंद्र पीजी साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसे साइंस कॉलेज बिलासपुर के नाम से भी हम जानते हैं। इस कॉलेज के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हमारा जो चैनल है उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जाता है। तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस कॉलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, जैसे लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, हॉस्टल मिलेगा, NCC, रेड क्रॉस सोसाइटी में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करते हैं, तो यह कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जो कि बिलासपुर में स्थित है, उसके अंतर्गत आता है, उससे अफिलिएटेड है, जहाँ केवल साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इस कॉलेज में आप केवल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स में पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आप अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD भी कर सकते हो, जिसमें UG कोर्स में आपका ऑनर्स भी कर सकते हो। ऑनर्स की फैसिलिटी इस कॉलेज में है। तो देखते हैं आपको UG कोर्स में क्या क्या ऑप्शंस मिलता है। तो आप यहाँ BSc इन मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथ्स का ऑप्शन है। तो आप BSc इन मैथ्स में पढ़ाई कर सकते हो। BSc इन बायोलॉजी में देखते हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, जियोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको तीन मेन सब्जेक्ट लेना होता है, और हिंदी इंग्लिश आपका कॉमन रहता है। इसमें आप ऑनर्स किस्म किस में कर सकते हो, देखते हैं। तो ऑनर्स में आप फिजिक्स में कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, बॉटनी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन है यहाँ, और आप BCA में यहाँ ऑनर्स की पढ़ाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी यहाँ मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में देखते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आपको यहाँ मैथमेटिक्स मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, बॉटनी मिलेगा, जूलॉजी मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यहाँ PGDCA की कोर्स कर सकते हो। तो अच्छी खासी ऑप्शन है यहाँ मास्टर डिग्री में भी। अब बात करते हैं यहाँ PhD के बारे में। अगर आप PhD करने में इंटरेस्टेड हो तो PhD का भी इस कॉलेज में ऑप्शन है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ साइंस की सभी कोर्सेज अवेलेबल है, आप साइंस की पढ़ाई कर सकते हो। और कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अपने आप में एक अद्वितीय पहचान रखता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, वहाँ भी मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक में, किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।